आजाद कश्मीर में भी शायकीन क्रिकेट पाकिस्तानी टीम की कामयाबी के लिए पुरअज़म है। कहते हैं पाकिस्तानी शाहीन भारत को हराकर कौम का सर फखर से बुलंद करेंगे। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद इकबाल से। जी मोहम्मद इकबाल, बताइएगा इस हवाले से। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो चुकी हैं। शायकीन क्रिकेट को जिसका बेसब्री से इंतज़ार था, बिलाहर वो वक्त आ चुका है। आज एशिया कप में पाकिस्तान और भारत की जो टीमें हैं वो आमने सामने होंगी। हमारे साथ कुछ शायकीन मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे आज के मैच के हवाले से वो क्या कहेंगे। पाकिस्तान हिंदुस्तान को धूल चटाए और इस तरह की धूल चटाए कि सारी ज़िंदगी इंशाल्लाह अगले वर्ल्ड कप तक ये वो नशा बाकी रहे। और कश्मीरी आवाम के दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। बाबर आजम का बल्ला चलेगा। बाबर आजम ने पहले मैच में बहुत अच्छी ने खेली है और हम उम्मीद करते हैं पाकिस्तान का इंशाल्लाह जीत कर पूरी कौम को खुशी देगा। हमारे घर में सब मैच देखना बहुत पसंद करते हैं। मेरे फादर इवन के वो अपने ऑफिस से जल्दी आ जाते हैं मैच देखने के लिए, तो मैं खुद भी बहुत एक्साइटेड हूँ मैच के लिए और इंशाल्लाह पाकिस्तान ही जीतेगा। पाकिस्तान और इंडिया रवायती हरीफ भी हैं, इनमें आपसी जंग की वजह से लोग इसमें काफ़ी दिलचस्पी का इजहार करते हैं। कश्मीर की आवाम इस हवाले से काफ़ी परजोश दिखाई देती है। मेरे तो सभी खिलाड़ी फेवरेट हैं। मैं यही चाहूँगी कि सभी अपना परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दें, तो मेरी बेस्ट विशेज हैं सबके साथ। वर्ल्ड में देखा जो सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला जो मैच होता है वो पाकिस्तान और इंडिया का होता है, और मेरा जो फेवरेट प्लेयर है तो वो बाबर आजम है। ये दो टीमों के बीच नहीं बल्कि दो कंट्रीज के दरमियान मैच हो रहा है और मेरी बेस्ट विशेज है पाकिस्तान के लिए। और मेरा फेवरेट जो क्रिकेटर है वो रिजवान है, मोहम्मद रिजवान। मेरी बेस्ट विशेज है कि वो अच्छे से अच्छा परफॉर्म करे। ओवरऑल इंडिया और पाकिस्तान का मैच तो वैसे भी एक जज्बा सा है ना, क्योंकि पड़ोसी मुल्क भी और दूसरा तो काफ़ी सारी जगहों पर हमारे तसादम भी उनके साथ। शायकीन क्रिकेट काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं और उन्हें ये उम्मीद है कि उन्हें आज अच्छा खेल देखने को मिलेगा और पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है फतह से हमकनार होगी।